महिमा वर्ण न सको। ठाकुर ऊच भगवाना तुमरी महिमा वर्ण न सको। ठाकुर ऊच भगवाना वाणी गुरु गुरु है वाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मन परतख गुरु निस्तारे गुर बाणी कहे सेवक जन मन परतख गुरु निस्तारे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु जी वल्लों बख्शी फतेह प्रवान करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कल तो लैके जिहड़ी सिद्धकोट गोष्ट की बाणी के अंदर विचार चल रही है, वो विचार ऐसी है जिहड़ियां शख्सियतां जिहड़े मन घड़े जांदे ने वो कैसे हुंदे ने, उन्हां दे गुण किहड़े किहड़े ने। क्योंकि आपां पढ़दे हां घड़िए शब्द सच्ची टकसाल, जिवें एक पत्थर होए, पत्थर बाहर मैदान में पिया होए, उस पत्थर दे विच ये उपयोगिता है, ये शक्ति है, उस दे विच वो एक सोहनी मूर्ति बन सकता है। उस दे विच परमात्मा ने एक कला पाई है, वो कुछ बन सकता है। जे बन सकता है फिर बन क्यों नहीं रहा, कारण की है, उनू घड़न वाला कोई नहीं है। जे किते उस पत्थर नू कोई घड़न वाला मिल जावे, याद रखना जेड़े पत्थर ते जिस पत्थर नू ठेडे वजदे ने, जिस पत्थर नू लोग इधरों चुके परां सुट देंदे ने, एक दिन उस पत्थर नू लोकी दुध चढ़ाउण लग जांदे। पत्थर ओही है। गल पत्थर दी नहीं है, गल है उस नू घड़न वाले दी। इत्थे यही गल चल रही है, असल च गल मुश्किलां दी नहीं है, दुखां दी नहीं है। जो दुखां नू दूर करन वाला है कि उस दे नाल सांझ पई है, फिर पता लगेगा दुख जिंदगी च है कि नहीं है। मनुख दी जिंदगी दे विच एक मनुख दी जिंदगी अनघड़ी है। अनघड़ी दा मतलब की है, हमेशा परेशानी, हमेशा दुख। दुख का मतलब हमेशा जिंदगी दे अंदर दुख नू प्राप्त करी जाना, बार बार परमेश्वर तो दूर हो ही जाना, ये दुख ही तो है। बार बार ये मिलता है, बार बार ऐसा दुख मिल ही जा रहा है। कारण की है, शायद इस नू हजे जिसने यदि शख्सियत घड़नी है वह मिलया नहीं।
जिस दिन वो मिल पवेगा, जिंदगी ऐसी नहीं रहेगी जैसी है, बदल जाएगी। मैं कल भी किया सी आप जी नूं एक बड़ा सोहना ना, कई बार ये सवाल उठता है कि सिखी का प्रचार मैं करा, सिखी का प्रचार। गुरु ने सिखी का प्रचार करने लिए नहीं किया, सिखी धारण करने लिए किया। वेखो इतों आप जी नूं होर समझ आ जाएगा, क्योंकि गल गुरमुख की चल रही है। गुरमुख केड़ियां केड़ियां चीज़ां नूं प्राप्त कर जाते हैं। एक कमरा होए, बहुत सोहना घर बने होए, हरेक चीज़ बड़े तरीके ते लगी होए, कोई भी आप दे घर आएगा, मकान की ड्राफ्टी नूं वेख के, डिजाइनिंग नूं वेख के एक ही गल कहेगा, ये मकान की डिजाइनिंग किन्ने कीती है। इस बार आप जी बिना टाइम लाए फटाफट उसका नाम लै दोगे, एड्डी सोहनी डिजाइनिंग, हर चीज़ बड़े तरीके नाल हर थां ते लगी हुई है। ये पता है कि ने फलाने फलाने आर्किटेक्टर ने की है, फलाने नक्शा नवीस ने की है। बस एवें ही सिख की जिंदगी है, जिस की जिंदगी बिल्कुल घाड़त विच है, किसी की निंदा नहीं है, किसी की चुगली नहीं है, हरेक नाल प्यार नाल बोलना है, हंकार नहीं है, दया है। जरूर आप जी नूं कदे ना कदे कोई पूछेगा, तेरी एड्डी सोहनी जिंदगी है किन्ने बनाई है, एड्डी सोहनी तेरी घाड़त बन गई है, पहला ऐसा नहीं सी, अज बड़ा सोहना लगता है, घाड़त बड़ी सोहनी है, कौन है इस दे पिछे। फिर आप एक मिनट तो पहला कहोगे मैनू घड़न वाला मेरा गुरु है, गुरु ग्रंथ साहिब जी। पर इत्थे गल ए है, घड़न वाला तो गुरु है, कि सिख जिहड़ा शिष्य है गुरु का, कि गुरु दे कोल इसे लई आउंदा है भी मेरा मन घड़ो। असल दे विच गुरबाणी यही गल कहिंदी है, गुरु दे कोल मनुख आए गुरु नूं इह दसण लई नहीं, गुरु मेरा आ कर नहीं, गुरु मैं तेरे कोल आया, तुहाडे कोल आया, मैनू नहीं पता मेरे वास्ते की चंगा है। जे असी आप बेनती कर रहे हैं मैनू आ देवे ही देवे, इहदा मतलब सानू उहदे नाल ज़्यादा चंगा चंगी तरह पता है, भी असी सानू पता है की चाहिए की नहीं। वो एक गल कह रहे हैं, किंदे असल दे विच तू इस चीज़ नूं याद रख, गुरु दे सन्मुख आया, गुरु मैनू नहीं पता मेरे वास्ते की चंगा है, हाँ तुहानू पता है मेरे लिए की चंगा है, बस मैं ते ये कहण आया मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरिया इच्छावां खत्म करके अपने अनुसार मैनू चलाओ, मैं ते अपनी जिंदगी इत्थे समर्पण करन लई आया, अपनी जिंदगी नूं लेके आया, मैनू नहीं पता है मेरी जिंदगी की है। बेनती है जो भी मनुख अरदास करे गुरु दे सन्मुख, एक ही अरदास हो सकती है, हे परमात्मा मैनू पता है मेरे विच गुण कोई नहीं, ये पता है, अवगुणा दा मैं भरिया होया ये भी मैनू पता है, और मैनू ये भी पता है मेरी अरदास भी तेरे नहीं तेरे ते ही नहीं पहुँचती, क्यों जे अज अरदास की है जे रब ने वह चीज़ नहीं ना की यदा मतलब ये नहीं पहुँची। हे परमात्मा मैनू पता है मेरी अरदास तेरे ते ही नहीं पहुँचती, क्यों मेरे अंदर अरदास करन दा बल ही है नहीं, मैनू वो पता ही नहीं अरदास करनी किवें है, अरदास तेरे नहीं क्योंकि इन्ने मेरे गुण ही है नहीं तेरे ते ही अरदास मैं पहुँचा सका। बस मेरी एक अर्ज है, मैनू इन्ना पता है मैं तेरे अगे आया, गुण कोई नहीं, अवगुणा दा मैं भरिया होया, पर जिस दे सन्मुख मैं खड़ा उस दे अंदर इन्नी पावर है, मैनू निर्गुणियार तो कोई गुण ना होंदिया भी हम निर्गुणियारे को गुण ना ही आपे तरस प्यो, मैनू इन्ना पता है
जे किते परमात्मा तुसी मेरे ते कृपा कर देवो मैं निर्गुण तो सदगुण बन सकदा, चंगे गुणा वाला बन सकदा। जिन्हों बाणी जपजी साहब दे विच भी एक आ, क्योंकि परमेश्वर दे सन्मुख ये मनना पवेगा मैं कुछ नहीं हाँ। जिस दिन ये मन लेगा उस दिन बाणी कहिंदी है परमात्मा फिर ये बारे कुछ सोचेगा, यदि विचार करेगा, यदि जिंदगी सौखी करने वास्ते कुछ करेगा, उस तो पहला नहीं। उस तो पहला मनुख परमेश्वर नू ये कह रहे है किड्डी वड्डी गल है, ये कह रहे है जो मैं चाह रहा मेरे अकॉर्डिंग कर। परमेश्वर कह रहा मैनू ज़्यादा पता है तेरे नाल, तेरे वास्ते सानू तो अज की जिंदगी का पता है, अज तो 10 साल बाद साडे लई की चंगा है सानू नहीं पता। अज तो 10 साल बाद साडी जिंदगी की चंगा होने वाला है की माड़ा होने वाला है सानू नहीं पता, परमेश्वर नू पता है। इस करके जिहड़ा गुरमुख पुरश हुंदा है वो परमेश्वर ये चीज़ नू समझदा होया, इस डूंगी गल नू समझदा होया भी मैनू नहीं पता भविख च की होना है, हाँ गुरु नू पता है। इस करके गुरु दे द्वारे जदों भी आउंदा है गुरु नू ए नहीं कहण आउंदा ए कर ना, वो कहण आउंदा है गुरु जी मैनू नहीं पता मेरे वास्ते चंगा की है, जिव भाव है तिव बख्श, जिवें तेनू चंगा लगता है उवें बख्श लै, बस ये है मेरी अरदास। हम मन दे विच इच्छा तो है फलानी चीज़ मिल जाए, पर जे परमात्मा जी वो चीज़ मेरे लिए सारी जिंदगी ये जीव आत्मा लिए भले दी है तो मैनू दे देवी नहीं रहन देवी, ये गुरमुख की निशानी। क्यों गुरमुख इन्ना गंभीर हो जाता है, गुरमुख इन्ना डूंगा चला जाता है, उसनू पता लग जाता है मेरे बस कुछ नहीं, पाप पुन हमरा वसना है, साढ़े बस नहीं है। इस करके आप विचार कर रहे हैं गुरमुख की, मैं कल भी दो चीज़ा आप जी ने दसियां सन, मनुख परमेश्वर दे नाल जुड़न दा दो तरीके नाल ढोंग करदा है, गुरबाणी च ओह भी दोवें तरीके आए ने। एक तरीका है बाहर दे वस्त्र पा के, जिन्हों बाणी च कहा गली जिन्ना जप मालियां लोटे हाथ ने बग, ये सारा जिहड़ा वो कह रहे ने असल च गल दे विच माड़ा गलत नहीं है, पर जे माला पाई है किसी नूं लभाउण वास्ते किसी तो कुछ लैण वास्ते फिर ये गलत है, जे माला किसी नूं वखाउण वास्ते पाई है फिर ये गलत है, माला ये चंगी नहीं है। क्यों ये माला फिर ये जिहड़ी माला पाई हुई है ये फायदा नहीं पहुँचाएगी उल्टा नुकसान करेगी। दूजी कबीर अवरह को उपदेश, उपदेश से मुख में परहरे, दूजा मनुख किसी ठगदा है वो शब्दों के नाल, पहला बारी भेस के नाल, जे इस शिकंजे चो कोई निकल जाए पहली गल तो इन्नी विवेक दुनिया विच नहीं हुंदा भी वह पहला भेख के जाल चो ही निकल सके, उत्थों ही नहीं निकलती। हाँ चलो किसी दे कोई कृपा पुरानी कोई कर्म ऐसा है वो इस जाल चो निकल भी जाएगा, अगला जाल फस जाता है शब्दों का। मनुख बहुती वरी मित्र दे हथों कह दिंदा है कई वरी मैं ठगिया गया, क्यों पहला तो बड़ा मिठा बोलता सी मेरे नाल मिठा बोल के ये चीज़ क्यों पता नहीं लगा, कहते नहीं वो शब्द ही ऐसे सन मैनू पता लगन ही नहीं दिता। एक मित्र दे हथों, एक रिश्तेदार दे हथों लुटिया जाता है, लुटिया नहीं जाता ठगिया जाता है, लुटना शब्द होर है। ये तीन शब्द वक्खो वक्खरे ने और तिना की डेफिनेशन भी वक्खो वक्खरी है, परिभाषा वक्खो वक्खरी, लुटना चोरी करना ते ठगना। धर्म की दुनिया दे विच गुरबाणी विच भावें के ये तीन शब्द आए ने, जिथे भगत नूं ये हदायत भी की गई तू परमात्मा नूं लुट लै,
ऐसा भी कह गया लूटना है तो लूट ले। पर जेड़ी ठग है ठग सकता है दो तरीके ना, बारी भेख बना के, दूजा अपने शब्दों के जाल नाल। इस करके गुरबाणी ये गल कहती है ना वो मर है ना ठगे जाहे। गुरमुख की यह भी पछाण होंदी है कि वह कदे ठगिया नहीं जाता, उहदे मन नू सब कुछ पता हुंदा है किहड़ा मनुख कित्थों तीं दी अवस्था का मालक है और ये गल क्यों कर रहा है। वो हरेक मनुख दे, मैं फिर कह दिया, शब्दां नू नहीं वेखदा कर्मां नू वेखदा। जिवें गुरु परमात्मा साडे शब्दां नू नहीं वेखदा, साडी भावना साडे कर्मां नू वेखदा। इहदे अंदर दी भावना की है ये वेखदा। हुण बाणी दे विच इह शब्द है अज जिहड़ा गुरमुख हुंदा है, गुरमुख नाम दान इसनान, तीन चीज़ां ने नाम दान इशनान। ये तिने कर्म भी कह लवो, दान देना एक बहुत वड्डा कर्म है, 68 तीर्थां ते इशनान करना ये उत्तों भी वड्डा कर्म है। पर गुरबाणी कहती है असल दे विच जिहड़ा मनुख गुरमुख बन जाता है ना, जिहड़ा गुरु दे दसे मार्ग ते तुर पैंदा है, जे उस नूं कोई गुरु मिल पए गुरु दे दसे मार्ग ते, क्योंकि असीं गुरुद्वारे बैठे हाँ इत्थों दे गुरु की गल कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया दे विच होर भी गुरु है ने, आपां गुरुद्वारे बैठे हाँ सानूं इत्थों दे गुरु दा ही मालूम है, होएगा कोई उहदी अपनी इच्छा होएगी, अपनी उहदी अवस्था होएगी। गुरमुख नाम दान इशनान, गुरमुख नूं अड तो दान करन दी लोड़ नहीं पैंदी, अड तो 68 तीर्थां ते जाण दी लोड़ नहीं, वो सतसंगत विच आके बैठदा है, यही उहदा सब तो वड्डा तीर्थ है। गुरु दी गल नूं समझ रहे है, गुरु दी गल ते अपनी जिंदगी नशावर कर रहे है, बस इहदे वास्ते यही दान है, यही इशनान है। भाव इहनूं होर डूंघे तरीके नाल समझिए, गुरमुख मनुख नूं बाहर दे कर्म करन दी लोड़ नहीं रहिंदी, बाहरी कर्म उदों तईं सहायक ने जदों तईं गुरु नहीं मिलिया। जिस दिन गुरु मिल पैंदा उस दिन बाहरी कर्मां दी लोड़ नहीं। मैं फिर बेनती करा, गुरु दे दर ते मनुख आउंदा है गुरु दे अगे ये कहण लई मेरा कोई बल नहीं है, मेरी कोई मत नहीं है, उही फिर गुरमुख बन सकदा जिहड़ा गुरु नूं ये कह के जाए। जिहड़ा गुरु दे सन्मुख अपने आप नूं हार जाए वह किते गुरमुख है, जिन्हें लेबल ही लाया होया है मैं तो गुरमुख हाँ। जिहड़ा हजे तईं अपने आप का ये लेवल उतार ही नहीं रहा वो हजे कोई प्राप्ति नहीं करेगा। गुरु दे सन्मुख ये मन जाना मैं कुछ नहीं है। मेरी बेनती इको ही है गुरु नूं कह के जाए, साहब जी मेरी बेनती इको है, जो मेरे कोल ज्ञान है वह कुछ भी नहीं है, जिन्ना क मैनू इस दुनिया बारे पता है वह 0% है। हाँ पर गुरु तुसी ये दुनिया नूं अनुभव किया। मैं गुरबाणी विच कल एक शब्द पढ़ रहा सी, मैं चारे कुंडा पालियां तुद जेवड ना साइयां। ये किड्डी डूंगी गल गुरु साहब कर रहे ने, कहिंदे मैं चारे दिशावां घूम के वेखियां ने, असल च कि फिजिकली घूम के वेखियां ने नहीं, गुरु अपनी सुरती दे राही सारी दुनिया नूं वेख लैंदा है, अपनी सुरती दे राही उहने ये वेख लिया दुनिया विच परमात्मा तो वड्डा कोई नहीं। इस करके गुरु जिहड़ी गल सानूं कह रहा है, गुरु साहिब जी जिहड़ी बंदगी दी गल सानूं कह रहे ने, कर बंदे
तू बंदगी जिचर घट मैं साहो। जे ये बात वो कह रहे ने इस दे पिछे उन्हां दा अनुभव बड़ा तगड़ा है। जो कह रहे ने भई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की इह तेरी बरिया, ये गल कहण दे पिछे उन्हां दा अनुभव बड़ा तगड़ा है। ऐवें नहीं कह रहे जिवें आपां बहुती वारी कोई मनुख राज मिल जाए वो जा अपने कमरे कह रहे मैं किते कम जा रहा, किते जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, बिना गल दे उन्हों सवाल और बिना गल दी सलाह। साडे देश विच मन्या जांदा है दो चीज़ां बड़ियां फ्री मिलदियां ने जिहड़ियां विदेशां विच बड़िया पैसों नाल भी नहीं मिलदियां, वो कहड़ी चीज़ है? एक फ्री दी सलाह ते फ्री दी डॉक्टरी सलाह, ये दो चीज़ां फ्री ने। किसी ने पढ़िया है नहीं पढ़िया कोई मालूम नहीं। एक तो उहदी जिंदगी च फ्री दी सलाह, और मनुख है भी ऐसा किसी दी फ्री दी सलाह लैके रख भी लैंदा, काम भी ऐसा। गुरु दे उत्ते पहली गल ये विश्वास आना, जो गुरु कह रहा है वो मेरी शख्सियत नूं घड़न लई कह रहा है, मैं गुरु दी एक एक गल नूं मन्ना, गुरु दे दसे हुए मार्ग ते तुरां, फिर मेरी जिंदगी विच खुशी आएगी, विकास आएगा, खेड़ा आएगा। उस तो पहला नहीं। उस तो पहला जे जिंदगी दे विच हजे दुख ने, कोई कम करदे आ कम बन नहीं रहा, चल नहीं रहा, किते ना किते कोई अड़चन लगी है, सारा दिन दिन परेशानी विच ही निकलदा है, किते ना किते एवें लगदा कुछ है जिहड़ा नहीं मिलिया। हरेक मनुख नूं एक चीज़ सारी जिंदगी लगती रहेगी, याद रखना, जे परमेशर दे नाम नाल नहीं ना जुड़िया एक चीज़ मनुख नूं सारी उम्र लगती रहनी है, वो कहड़ी है? कुछ है जिहड़ा मैनूं नहीं मिलिया, वो है भी है, वो है तृप्ति, वो है संतोख जिहड़ा सारी उम्र नहीं मिलना। और सारी उम्र मनुख नूं जे कोई परेशान रखता है ना, वो तृष्णा है, संतोख इनू ठंडा करदा। तां ही करके गुरबाणी ने यह गल कही, सारी उम्र ता दुनिया दे विच बड़े वड्डे वड्डे मनुख होए, पहली दिन तो लैके अंत दे 70-80-90 साल तई अपनी जिंदगी दे अंदर परेशान ही गए। कारण की सी? मैं एक चीज़ आप जी दे सन्मुख रखा, वेखो आपां जिस दिन कितें 12-15-20 साल दा सी मनुख, उस दिन जिवें अज असी बजुर्ग हो गया, कोई जिवें अज मुश्किलां नूं वेख के सोचदा, पहलां किसी ने लड़ पैना उहनूं उदों भी गालां कढ देणियां, उहदे नाल उदों भी ईरखा रखणी 15-20 साल दी एज। अज उम्र हो गई है, शारीरिक आयु 60-70 साल दी हो गई है, अज भी कोई उवें करे साडा सुभाअ अज भी उवें ही है। इहदा मतलब की होया? बचपन तो लै के बुढ़ेपे तई बदले ही कुछ नहीं। फिर ताई करके जिहड़ियां मुश्किलां बचपन तो तुरियां आउंदियां सन मन दियां, वो अज तई ओहो जिहियां ही नहीं, और ये ऐसियां ही रहणगियां। पहलां भी माड़ी जी गल, 10 रुपये डिगणे बचपन दे विच, परेशान हो जाणा मेरे पैसे डिगे ने, नहीं सी पता ये आउंदे कित्थों ने जांदे कित्थों ने, इहदा आउण जाण दा तरीका की है, चलो परेशान होना ठीक सी। अज मनुख वड्डा हो गया, उम्र भी इन्नी हो गई है, अज इहदा 100 रुपये का नोट डिग जाए अज भी परेशान हो जाता उन्ना ही जिन्ना बचपन में सी। इहदा मतलब की है? शरीर बदले है, मानसिक तब्दीली नहीं आई। सानू इवें लगता है मैं वड्डा हो गया बजुर्ग हो गया, नहीं हजे बच्चे ही हाँ, बजुर्गी तो आई नहीं हजे। शरीर करके बजुर्ग होना ये सानू करन दी लोड़ नहीं, अपने आप हो जावांगे, नहीं करन दी लोड़। मन बजुर्ग होना चाहिए। इहदा मतलब ये है जे बचपन में परेशानी सी चीज़ गुम होने दी, अज तई परेशानी बनी हुई है, कारण की है?
कारण इको है उदों भी गुरु कोई नहीं सी किसी की गल आखे नहीं सी लगते अज ते भी नहीं लगे उदों भी गुरु कोई नहीं बनाया कोई गुरु नहीं सी पीर नहीं सी अज ते भी नहीं है। मैं फिर कह दिया गुरु पीर का होना काफ़ी नहीं है एक सिख का अपने गुरु को जानना बहुत कुछ है जानना पएगा तो गुरु मिलेगा होना सब कुछ नहीं है। बाणी कहती है सतगुरु नू सब को देखता जेता जगत संसार गुरु का होना देखता मतलब वेखना गुरु की प्रेजेंस अपने आप च बड़ी वड्डी प्रेजेंस है होना बहुत वड्डी गल है पर एक सिख वास्ते उहदी जिंदगी च बदला गुरु दे शब्द जानन तो आउंदा है। एक सिख दे अंदर ये तड़फ होनी चाहिए है मेरे गुरु ने यह बचन कहा है क्यों कहा है इसका मेरी जिंदगी विच की फायदा है। जिस दिन एवें सोच बन जाएगी उस दिन जिंदगी बदला दी लाइन ते तुर जाएगी। उन्होंने ही कहते हैं घर सुख वसिया बाहर सुख पाया उस दिन अंदर सुख बनता है। हुण इत्थे वो कह रहे ने कहिंदे महाराज जी जिहड़ा गुरमुख पुरश हुंदा है उन्हूं बाहर तो नाम दान इशनान करन दी लोड़ नहीं सिर्फ उसनूं परमेश्वर दा नाम जपण दी लोड़ है। जो परमेश्वर कर रहे है बस उन्हूं सत करके मनना यही उहदे वास्ते नाम है यही दान है यही इशनान है। जो परमेश्वर कर रहे है उसनूं सत वचन करके मन लेना। हाँ जे कोई ना मनेगा बदलन ते वाला कुछ है नहीं। जे एक मिनट वास्ते कोई आखे मैं नहीं मनदा ते ना मने जे कोई नहीं मनेगा उहदे नाल बदलाव ते कोई आउण वाला नहीं। बाणी दे इस करके कहिंदी है जिस ठाकुर से ना ही चारा ताकू की जय सद नमस्कार। सिर्फ जरूरत है उन्हूं नमस्कार करन दी। अगे कहिंदे ने गुरमुख लागे सहज ध्यान ध्यान जुड़ जाता है सहजता दे विच ध्यान सहज हो जाता है हजे ध्यान भटकदा है। बिना जिस दिन मनुख गुरमुख बन जाता है ध्यान सहज हो जाता है सहजता च हरेक चीज़ की समझ हुंदी है। इड्डी समझ परमात्मा पैदा कर देता है जो कुछ भी उहदे नाल घटी जाना है उन्हूं लगना है उन्हूं पता होना है ये मेरे नाल क्यों वापर रहा है उसनूं परमात्मा दे इस मार्ग की समझ हुंदी है। पर जदों तक मनुख गुरमुख नहीं इहदा ध्यान माड़े जे दुख तों भटक जांदा है ध्यान सहजता विच नहीं हुंदा ध्यान भटकदा है। रोटी ना मिले एक दिन ध्यान भटकदा रहिंदा है पानी ना मिले ध्यान भटकदा रहिंदा। पर जिस दिन गुरु दे विच गुरु दे दसे राह ते मनुख तुर पैंदा है ना गुरु दे रस्से मार्ग ते तर चल पैंदा है उस दिन ये आरे दे थले भी खलो जांदा है इहदा ध्यान नहीं भटकदा। ये दिल्ली दे चांदनी चौंक दे विच अपने आप नूं एक सिख उबाले दे विच लै लैंदा है ध्यान नहीं भटकदा। हजे ध्यान क्यों भटकदा है क्योंकि ध्यान हजे गुरु दे विच नहीं जुड़िया। जे मनुख कहिंदा मैं बाणी पढ़दा ध्यान जुड़दा नहीं जुड़दा तां नहीं हजे गुरु दे विच ध्यान जुड़िया नहीं। उहदा कारण है गुरु दे दसे होए राह ते तुरिया ही नहीं क्योंकि बदला गुरु दे दसे होए मार्ग ते चल के आउणा है। मैं फिर आप जी नूं बेनती करदे आं एक घर दा नक्शा बड़ा सोहणा होए उहदे विच हर चीज़ बड़ी चंगी लगी होए मनुख पुछ उठदा है ये नक्शा किहने बणाया एक कोई गुरमुख है उहदी वेखणी बड़ी निर्मल है चलना बड़ा निर्मल है सोना बड़ा निर्मल है उठना बड़ा निर्मल है बोलना बड़ा निर्मल है। एक दिन उसनूं कोई पुछ लेगा तू इड्डा ठीक है क्यों है उहनूं कहना पएगा मेरी ये जिहड़ी काढ़त है इहनूं घड़न पिछे मेरे गुरु का हथ है। कोई पुछ ले तेनूं इन्ना ज्ञान है इन्नी दुनिया की बरीक समझ है की कारण है
वह कह देगा ये पिछे कारण गुरु ग्रंथ साहब जी ने। पर जे हजे तक किसी ने पूछा नहीं सानू फिर ओसा बनना चाहिए। मनुख नू जिंदगी विच अभ्यास करना चाहिए गुरु दे राह ते तुरन दा, गुरु दी शिक्षा ते तुरन दा। ऐसी घाड़त बन जाए लोग साडे वल वेख के बदलन। मतलब जेड़े असीं गुरुद्वारे आउने आ, रोज़ आ रहे हैं, रोज़ गुरु नू नतमस्तक भी होंने, सानू वेख के जेड़े नहीं आउंदे वह कहिंदे होणगे ये बड़े भागां वाले ने, असीं तो परेशान हाँ, ये तो परेशान नहीं होणगे। पर जे कदी आप जी उन्हां दे कोल बहो वही परेशानी वाली गल तुसीं भी करो, कहेगा नहीं कोई फर्क नहीं है, भावें गुरुद्वारे जाओ भावें ना जाओ, जिंदगी तो उहो जी है जिहो जी साडी है। गुरुद्वारा ये संगत जिंदगी बदलती है, जिंदगी दे विच तब्दीली लियाउंदी है। जिंदगी दुखां दे विच ऐसा नहीं है, जिंदगी तुरेगी जिवें सूरज चढ़ेगा, इहदा एक पार्ट हनेरा भी है, शरीर का एक पार्ट बीमारी भी है। जिंदगी जे तुरेगी सदा सुखां विच नहीं रहेगी, जिंदगी जे तुरी है हमेशा ऐसी नहीं रहनी जैसी चल रही है, ना बदला आएगा। जिवें जदों मनुख एक छोटे मकान नूं ढा के वड्डा बनाउंदा है बड़ा खुश होंदा है, पर जे उहनूं कहे सारी जिंदगी छोटे विच ही रहना है, ये तो कोई जिंदगी ना होई। जिस दिन छोटे नूं ढा के वड्डा बनाउंदा है बड़ी खुशी है, जिस दिन वड्डा छड्डना पए उस दिन बड़ा दुख है। बस यही तो दुख है, यही सुख है। जो कुछ है वो कुछ नहीं है, इस तो अगे जो कुछ मिलेगा सुख हो जाएगा, जे नहीं मिल रहा दुख है। बस ये सारिया चीज़ा आ जाए, होर की दुख, होर दुख की है दुनिया से। जो कुछ मिले है उस तो वध नहीं मिल रहा, बस ये दुख है। और ये कल्ले नू नहीं है, सारी दुनिया नू है। मनुख का सारे दिन का एक ही झोर है, परमात्मा जो कुछ मेरे को है वह पूरा नहीं है, मेरे को परिवार है पर परिवार सारा खुश नहीं है, बच्चे ने बच्चे आखे नहीं लग रहे पूरा नहीं है, ऐसा नहीं होना। कुछ ना कुछ तो तब्दीली चलती रहनी है, कुछ ना कुछ। पर जेड़ा मनुख गुरमुख हो जाता है, वाहेगुरु का नाम जपना शुरू कर दिंदा है, उहदी जिंदगी दे विच ऐसा बदलाव आना शुरू हो जाता है। चलो उहदे जिंदगी दे विच कोई तकड़ी मुसीबत आ भी जाए ना, जेडे उहदे सहन दे वसों बाहर होए उस दिन जे किते उह गुरु दे अगे अरदास कर ले, उहदी अरदास भी गुरु नाल ही सुन लैंदा, ऐसा भी है। एक पक्ष यह भी है उस चीज़ का, जिहदी एड्डी वड्डी समर्था हो जाए दुख ते सुख नूं बराबर सहे, वो घट्टो घट गुरु दे अगे जे बेनती करे गुरु उहदी बेनती मन भी लैंदा, क्यों उहनूं मनना पैंदा है। इस करके बाणी कहिंदी है गुरमुख पावै दरगाह मान, जिहड़ा मनुख गुरु दे उपदेशां ते तुरदा अपनी मत नूं मार लैंदा है उस दिन दरगाह विच मान पा लैंदा। मैं आप जी ने कल भी बेनती की सी, गुरुद्वारे आए हैं सिर्फ एक ही अरदास, मेरा कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, बस यही अरदास रोज़। इनू कहिंदे ने ये मनमुख नहीं है गुरमुख है, जेड़ा रोज़ आके एक ही गल के रब्बा दुनिया मैनू कहिंदी है ये दिमाखी बड़ा है, पर मैनू पता है मेरा दिमाग तेरे अगे कुछ भी नहीं। परमात्मा लोग मैनू कहिंदे ने ये अमीर बड़ा है, एक ही अरदास मैनू पता है मेरी अमीरी का कोई आधार नहीं। परमात्मा लोग कहिंदे ने ये सियाणा बड़ा है, ये सोहना बड़ा है, मैनू पता है मेरे विच जिहड़े गुण ने ये मेरे नहीं ने, ये तेरे ने। इस करके मैनू इन्हां गुणा का माण ना होए ये तेरे अगे मंगण आया। पर जे कोई दुख है फिर भी ये गल कहे, जे कोई बहुता ही तकड़ा दुख है फिर ये वाली अरदास करे, हे साहब जी
मैनू पता है मेरा दुख बड़ा वड्डा है और मेरे यतना दे नाल ये दूर होना भी नहीं। कईआं मनुखां नूं एडे वड्डे दुख हुंदे ने, अपने यतन बड़े करदे ने, जिंदगी च नहीं दूर हुंदा। एक ही परमात्मा अगे एक ही अरदास, परमात्मा मेरे दुख एडे वड्डे ने, मेरे यतन कीते आ, मेरी बहुती कमाई कीते आ, ये दूर नहीं होने। बस एक ही अरदास है, तू आप ही बख्श ले। घट्टो घट मेरी बुद्धि ते मैनू ना आण दई, अपने आप ही बख्श ले। ये अरदास, ऐसी अरदास तुर दरगाह विच कबूल हुंदी है। अज नहीं होएगी, ये गल होर याद रखना, जिस दिन ऐसी अरदास होएगी ना, जिस दिन ये दिलों कह देवांगे परमात्मा मैनू पता है ये पृथ्वी ते मेरी बुद्धि 0% भी नहीं है, मैनू ये दुनिया की समझ 0% भी नहीं है। जिवें सुकरात सी ना, वो कहिंदा हुंदा सी, कहिंदा जदों मैं नवा नवा इस बन्ने लगा, मैनू पता सी, मैनू एवें कहना, मैनू दुनिया का बहुत कुछ पता है, मैनू एवें लगता सी, एवें हुंदा है कोई नवा नवा गुरु के नाल जुड़े ना, उन्हूं लगता तू बहुत सियाणा है। कहिंदे थोड़ा जिहा गुरु के राह ते तुरिया, अधखड़ उम्र आई, पता लग्या मैनू बहुत कुछ ऐसा है जिहड़ा नहीं पता। कहिंदा अज मैं बजुर्ग हो गया, मैनू ऐसा लगता है मैनू कुछ भी नहीं पता, ऐसा लगता मैनू, ऐसा लग रहा है ये दुनिया का मैनू कुछ भी नहीं पता। क्यों? लोकां ने जान जान के जिन्ना भी जाने है, वो हजे तई एक समुंदर दे विच बूंद दे बराबर भी नहीं है। रब नू जान जान के जिन्नियां किताबां लिखियां गईयां, जिन्ने ग्रंथ लिखे गए, जान जान के ये जाणिया, उन्हूं नहीं जाणिया जा सकता, क्योंकि जाणिया तो बुद्धि दे नाल जाणा है, तो बुद्धि उहदा अंत नहीं लै सकती। इस करके साहिब दे अगे ये अरदास, हम अवगुण भरे एक गुण नाहीं, ये अरदास होनी चाहिए। परमात्मा मेरे गुणा ते अवगुणा दे विचार ना करी, क्यों? जे तू मेरे गुण वेखण लग गया, मैनू पता है मेरे गुण ते दो चार होणगे, अवगुणा दा केते गणो असंख अवगुण मेरे आ, मैं की गणावांगा, की तेरे के हिसाब रखांगा, मेरे अंदर अवगुण ही इन्ने ने। चलो मैं जे परमात्मा नूं कह भी देवां, परमात्मा मैं तेरे दर ते सेवा करदा, मैनू सेवा दा ही फल दे दे, पेगा तू अपनी सेवा ते साइड च रख ली है, जे अपने वाली वही मैं भी साइड च रख ली, फिर तेरी सेवा किते भी नहीं आउणी। हजे ते अपनी सेवा वाली जिहड़ी वही है उही रखी है, जे परमात्मा के मैं भी चक लवां अपनी, जे मेरी वही चक ली सजणा, तेरी सेवा किसे खाने च भी नहीं आउणी। क्यों? इड्डा कुछ अंदर गलत है। गुरबाणी कहिंदी केते गणो असंख अवगण मेरे आ, परमात्मा जी मैं नहीं गिण सकदा। क्यों? मेरे जिहड़े अवगण ने वह गिणती तो बाहर ने। क्यों? एक एक सैकेंड खिन खिन भूलन हार, असी तो एक एक सैकेंड तेनू भुलदे हाँ, एडे वड्डे अकिरत कण हाँ, एक एक सैकेंड तेनू भुल जाने हाँ, तेरिया दित्तियां दातां भुले बैठे हैं। इस करके बाणी अंत दे विच इह कहिंदी है, गुरमुख भौ भंजन प्रधान, गुरमुख करनी कार कराए। गुरमुख जिहड़ा है आप चंगी करनी कार करदा है, दूजिया नूं चंगी कार करन वास्ते प्रेरित भी कर, आप जपै अवरह नाम जपावे, आप भी जपदा दूजे नूं प्रेरित भी करदा, आप भी सतसंगत करदा दूजे नूं भी कहिंदा है सतसंगत करिया करो। फिर अंत दे विच कहिंदे ने, नानक गुरमुख मेल मिलाए। परमात्मा दे नाल मेल मिलाप दो अर्थ करदे ने विद्वान, या तो गुरमुख दे राही मिलदा है, या गुरमुख परमात्मा दे नाल मेल कर लैंदा है। परमात्मा दे नाल मेल हो जाता है, और परमात्मा दे नाल मेल होने का मतलब ये नहीं, आपां कहिंदे ने मेल, मेल का मतलब की हुंदा है, इनू इस शब्द नूं समझना। असी उन्हां दे नाल मेल जोल रखते हाँ जिहड़े साडे वर्गे हुंदे ने,
जे कोई बदमाश है एक संत है उहदा ते उहदा की मेल। परमात्मा दे नाल मिलना की है, जैसा परमात्मा है वैसा ही बनना। परमात्मा ना किसी दे अवगुण वेंदा है ते ना गुण वेंदा है, ऐसा ही वो मनुख भी हुंदा है। कोई बहुता ज़्यादा परेशान है, दुखी है, उत्ते हसदा नहीं है, क्यों? परमात्मा नहीं हसदा। किसी का औगण वेख के ये नहीं कहिंदा कैसा कैसा मनुख है, इनू की पता है दुनिया का। मैं अंत दे विच एक आप जी सामने साखी रखा, कहिंदे एक नगर दे विच एक बीबी ने बहुत वड्डी गलती की। सारा पिंड कहिंदा ये वेश्व है, उन्हूं फड़ के बाहर लाए मारन लग पे। एक संत आया, उन्हें सब नूं रोकिया, बीबी दे अग्गे खलोता ते पता की कहिंदा है, हुण इस नूं वट्टा वो मारियो जिन्हें जिंदगी विच कुछ गलत नहीं किया। इस करके जिहड़ा गुरमुख मनुख हुंदा उन्हूं पता हुंदा है मैं अपनी जिंदगी दे जे वाचना शुरू करां मेरे तो बहुत गलतियां होईयां ने। इस करके कदी भी किसी की गलती नूं उछालना नहीं चाहिए, उन्हूं सामना चाहिए। उछालन वाला बंदा नहीं है, सामन वाला। परमात्मा ने महाराज कहे जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके, किन्ने पड़दे उन्हें ढके हुए ने। जे किते मैं कल भी बेनती कर रहा सी, साडे मन के अंदर जो कुछ चलता पिया है, जे किते बाहर स्क्रीन लगी हुए ना जो चल रहे हो बाहर वेखदा होए, ये समाज के सारी जिंदगी लड़ाइया ही वजदियां रहने। क्यों? मनुख पता नहीं नाल बैठे दे लई पता नहीं की सोची जा रहा है। गवांडी वास्ते मनुख पता नहीं की सोचता अपने पड़ोसी वास्ते, पर अपने मन में है। परमात्मा ने इनू ढकया होया साडे मन नू। जे किते ये ना ढकया हुंदा ना ये दुनिया होनी ही नहीं सी। क्यों? हरेक मनुख गलत सोचता है, हरेक मनुख दे अंदर गलत विचार चलते ने। इत्थे परमात्मा बड़ा वड्डा है जिसने सब दे पड़दे ढके हुए ने। इस करके जिंदगी दे विच हमेशा मनुख नू किसे तो कोई गलती होए उन्हूं ढकना चाहिए, उछालना नहीं चाहिए। क्यों? महाराज बाणी च कहिंदे ने गलती का पुतला मनुख है, गलती किसे तो भी हो सकती है। सो गुरमुख मनुख हमेशा हरेक किसे नू सवारण दा जतन करदा है, विगाड़न दा नहीं। आपां भी गुरु दे राह ते तुर के ऐसी दरगाह दे विच माण वाली राह ते तुरीए, परमात्मा दे राह ते तुरीए, गुरु दे राह ते तुरीए। इन्नियां बेनतियां आप जी ने प्रवान करनियां जी, होई भुल चुक दे लई खिमा करनी। आप जी अपने संगत दे विच जदों असीं आउंदे आ आप आईए, होरनां नूं भी आ के संगत दे विच प्रेरित करिए, आप नाम जपिए होरनां नूं भी जपाइए, तां जो साडी जिंदगी दे विच साडा भला हो सके। साहिब जी कृपा करन सब नूं देह अरोगता दी दात, नाम दी दात, घरां परिवारां विच सुख शांति दी दात बख्शन। सभना नूं गुरु दे परमात्मा दे परमेश्वर दे राह ते तुरन दा मौका साहिब जी प्राप्त करन। इन्नियां बेनतियां प्रवान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।